मास्टर लिसनिंग स्किल मतलब कि जो यहाँ पे दिखाया गया है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या क्या जरूरी है तो मास्टर लिसनिंग इफेक्टिवली बॉडी लैंग्वेज वो सब जरूरी है तो वह आज हम देखने वाले हैं इसके अंदर मास्टर लिसनिंग मतलब कि लिसनिंग स्किल और बेसिक स्किल और लैंग्वेज एक एल एस डब्ल्यू आर लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग एंड रीडिंग मतलब कि आपको कोई इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये फोर जो बेसिक स्किल है लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग मतलब कि एल एस डब्ल्यू आर तो वो आपको कम्प्लीटली पता होना जरूरी है क्योंकि ये मेन पॉइंट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल के इसके अंदर पे कोई भी एक पॉइंट आप अच्छे से नहीं करते हो, या आप ये नहीं कर पाते हो या आपके पास वो स्किल नहीं है तो वो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं होगा उसमें कुछ दिक्कत रह जाएगी तो ये जो चार स्किल है उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं पहली स्किल लिस्निंग स्किल वो क्या है रिस्पेक्टिव स्किल वो क्या है एक वन टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव स्किल जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या है प्रोडक्टिव स्किल है राइटिंग भी एक प्रोडक्टिव स्किल है और रीडिंग है वो रिस्पेक्टिव स्किल है तो ये लिस्निंग और रीडिंग है वो क्या है एक रिस्पेक्टिव स्किल तो वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं तो वाइस स्पीकिंग एंड लिस्निंग तो हमें स्पीकिंग एंड लिस्निंग क्यों करना चाहिए वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिया गया है कि, कि किस किस तरह से हम करते हैं और क्यों करते हैं तो वो यहाँ पे वाई आर ओरल कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट मतलब कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके अंदर जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो क्यों जरूरी है तो वो यहाँ पे आपको दिखाए गए एक चार्ट के थ्रू तो सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको जरूरी है बिल्ड रिलेशनशिप आप क्यों ओरल कम्युनिकेशन करते हो क्योंकि आप बिल्ड रिलेशनशिप मतलब कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है ऑडियंस के के साथ साथ या किसी भी व्यक्ति कंप्लीटली बिल्ड कर सको अच्छी तरीके से दूसरा एप्लेन एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरिटी मतलब कि आप किसी थिंग्स या किसी इंफॉर्मेशन को क्लियरली किसी को समझा सको इसलिए आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग होना जरूरी है डील कस्टमर इफेक्टिवली मतलब कि आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है तो आपको कस्टमर के साथ डील करनी है तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए उसके लिए आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल होनी चाहिए उसके बाद है टेल टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल मतलब कि आपको किसी पीपल के रेंज या किसी भी एज के पीपल को कुछ कुछ कहना है तो वो आप कहने के लिए आपके पास स्पीकिंग और लिस्ट हो सकता है उसके बाद अवॉइड कॉन्फेक्टिक मतलब कि आप किसी भी चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास कम्युनिकेशन होना जरूरी है और बी एन इफेक्टिव टीम प्लेयर मतलब कि आप एक इफेक्टिव टीम प्लेयर बनना चाहते हो तो वहां पे भी आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग होनी जरूरी है तो ओरल कम्युनिकेशन के ये जो छह इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखने होंगे तो इस जो छह इम्पोर्टेंट हमने देखा बिल्ड रिलेशनशिप क्लियरिटी डील विथ कस्टमर इफेक्टिवली बी एन इफेक्टिव टीम प्लेयर तो ये सब जो हमारे इंपॉर्टेंट है उससे हम क्या बना सकते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर कर सकते या हम बन सकते तो ये हो गया हमारा क्यों जरिए स्पीकिंग और लिसनिंग तो अब हम देखेंगे कि लिसनिंग का इंपॉर्टेंट क्या है तो कम्युनिकेशन तो हम करते हैं बट हम कम्युनिकेशन लिखने के बिना भी कर सकते हैं बट हमारे जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाए तो उसके अंदर लिसनिंग है उसका इंपॉर्टेंट क्या है वो अब हमें देखना है कि लिसनिंग क्या जरूरी है तो वो अब हमें देखना है तो यहाँ पे आपको दिया गया आपकी स्क्रीन के एवरी गुड कन्वर्जेशन स्टार्ट विथ गुड लिस्निंग मतलब कि कोई भी गुड कन्वर्जेशन हो या आप किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छी बात करना चाहते हो तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी गुड लिसनिंग से मतलब कि आप एक अच्छे लिसनर हो आप एक अच्छे लिसनर हो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से लिसन कर सकते हो तो ही आप एक इफेक्टिव कन्वर्जेशन को एक सक्सेस बना सकते हो उसकी कुछ इम्पेक्ट क्रिएट कर सकते तो ही आप एक गुड कन्वर्जेशन को स्टार्ट कर सकते हो मतलब कि जो ये लिसनिंग है ये आपका मोस्ट एक इम्पेक्टियल इम्पैक्टेबल आपका एक पॉइंट है एक कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर मतलब आपको कोई भी तरीके से कम्युनिकेट करना है किसी भी व्यक्ति के साथ या आपको इफेक्टिवली कन्वर्जेशन करनी है तो वो आपको पहले गुड लिसनर बनना पड़ेगा तभी आपको एक कम्युनिकेशन कर सकते हो तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट अब हम देखेंगे ऑथोराइज ऑथोरिटी लिस्नंग मोर मतलब कि Listening की ऑथोरिटी क्या है कम्युनिकेशन के फील्ड ने अंदर तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में हायर द पोजिशन द ग्रेटर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिस्टनर मतलब कि आपकी जितनी भी पोजिशन हायर है उतना आपका जो लिसन की रिस्पॉन्सिबिल है वो जरूरी हायर होनी चाहिए मतलब कि आप किसी पोजिशन या आप किसी कंपनी के अंदर वर्क करते हो या उसकी पोजिशन आपको हाई मतलब कि आपको प्रमोशन होता है तो वहाँ पे आपको सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी मतलब कि आपको कुछ ना कुछ जो उसके सोल्यूशन बेस्ड होते हैं या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए आपको अपना गुड लिसनर बनना पड़ेगा तो ही आप गुड पोजीशन को रख सकते हो या उसके मुताबिक काम कर सकते हो। मतलब कि आपको आपको पे जो जो 4 percentage आपको 4 जो भी ये दिए गए उसके हिसाब से आपको ऑथोरिटी कम्युनिकेशन की स्पेंड करनी होगी तो जो कम्युनिकेशन होता है या इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर नाइन परसेंटेज राइटिंग का जो कंटेंट होता है उसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो कितना होता है नाइन परसेंटेज मतलब कि जो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम नाइन परसेंटेज ही राइटिंग का यूज कर सकते हैं या यूज करना होगा उसके बाद है दूसरा रीडिंग तो उसका परसेंटेज है सोलह तो सिक्सटीन परसेंटेज ही हम लिस् रीडिंग कर सकते हैं मतलब कि हमें गुड कम्युनिकेशन करना है इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है तो उसके अंदर राइटिंग नाइन परसेंटेज होनी चाहिए और रीडिंग है वो सिक्सटीन परसेंटेज होनी चाहिए उसके बाद है स्पीकिंग तो उसके अंदर थर्टी परसेंटेज स्पीकिंग होनी चाहिए जो रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा होनी चाहिए स्पीकिंग और चौथा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फोर्टी फाइव परसेंटेज लिसनिंग मतलब कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो उसके पार्ट है जो ये फोर कम्युनिकेशन के राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग तो उसमें से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिसनिंग मतलब कि 45 परसेंटेज जो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली होती है वो किसके पर होती है लिसनिंग पर मतलब कि आप जब सच या अच्छा सुनोगे तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगी जब आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं हो सामने वाली व्यक्ति का जो समझा रहा है उसको आप समझ नहीं रहे हो तो आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा मतलब कि आपका जो मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन के अंदर वो है लिसनिंग तो ये 45 परसेंटेज है तो मेन जो पोर्शन होता है कम्युनिकेशन के अंदर वो है लिसनिंग मतलब कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करो तो आपका पूरा का पूरा जो लिसन अटेंशन है वो सामने वाले व्यक्ति पर या सामने वाले ग्रुप पर रहना चाहिए तो ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं तो ये हमने ऑथोरिटी देखी मतलब कि ये लिसन की हमारी ऑथोरिटी कितनी होती है फोर स्टेप ऑफ लिसनिंग मतलब कि जो लिसनिंग है उसके कितने स्टेप है फोर स्टेप तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम लिसन कर सकते तो यहाँ पे आपको फोर स्टेप दिया गया है तो हम पहला स्टेप देखेंगे हियरिंग मतलब कि हियरिंग लिसनर अटेंड टू द मैसेज मतलब कि जो भी कोई लिस्नर है उसको कंप्लीटली सामने वाले का मैसेज है वो हियर करना चाहिए सुनना चाहिए दूसरा है इंटरप्रिटेशन मतलब कि डिपेंडेंट मतलब कि हमें किसी पर डिपेंड करके वोकेबलरी है नॉलेज है एक्सपीरियंस है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से भी हम लिसनिंग कर सकते हैं तीसरा है इवोल्यूशन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द लिस्टर मतलब ये भी एक वन टाइप क्या हो गया डिपेंड ही है और रिस्पॉन्स मैसेज एनी मे बी अंडरस्टूड बाय वर्ड और बॉडी लैंग्वेज मतलब कि जो रिस्पॉन्स है उससे भी हम उसका मैसेज या उसका जो समझने की शक्ति है उसका वर्ड और बॉडी लैंग्वेज है उससे भी हम लिसनिंग कर सकते तो यहाँ पे आपको चार टाइप दिए गए हैं पहला हियरिंग मतलब आप किसी मैसेज को सुनकर भी आप लिसनिंग कर सकते हो समझ सकते हो दूसरा है इंटरप्रिटेशन मतलब कि किसी पर डिपेंड रहे के, मतलब कि जो तो सामने वाली व्यक्ति है उसका वोकेबुलरी नॉलेज या एक्सपीरियंस लेवल से भी आप लिसन कर सकते हो तीसरा है कि बैकग्राउंड इवोल्यूशन मतलब कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के सुनकर भी आप क्या कर सकते हो लिसनिंग कर सकते हो और रिस्पॉन्स मतलब कि किसी भी मैसेज का आप रिस्पॉन्स दे के भी आप कर सकते हो उसका लिसनिंग मतलब कि सामने वाली व्यक्ति उसका बॉडी लैंग्वेज चेक करके या उसका वर्ड अंडरस्टोड करके भी आप उसका रिस्पॉन्स दे सकते हो उसको लिसन कर सकते हो तो ये फोर टाइप्स हो गए तो ये आपको एक याद रखना है ये आपको एग्जाम के अंदर की जरूरत पड़ेगी आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये फोर टाइप्स है जो, जिसका हम लिसनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं मतलब कि लिस्निंग करने के लिए हम ये फोर टाइप का यूज कर सकते हैं पहला है हियरिंग दूसरा इंटरप्रिटेशन तीसरा है, है इवोल्यूशन और चौथा है रिस्पॉन्स तो ये हो गया हमारा स्टेप ऑफ लिस्निंग अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लिस्निंग मतलब कि कितनी टाइप्स की लिस्निंग होती है किस किस तरह से हम लिसन कर सकते हैं तो पहले है इलेक्टिव लिसनिंग मतलब कि हम लेक्चर सेमिनार कॉन्फ्रेंस को सुनकर भी हम लिस्निंग कर सकते हैं अप्रिसिएटिव लिसनिंग म्यूजिक पोएट्री सॉन्ग सुनकर भी हम हमारा लिसनिंग कर सकते हैं अटेंटिव एक्टिव लिसनिंग मतलब कि एक्टिव इन्फॉर्मेशन हमें कैसी लेनी है एक्टिव लिस्निंग हमें कैसी करनी है तो इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज टू बी स्टोर इन मेमरी मतलब कि हमें वो जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन वो सुनकर हमें हमारी मेमरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा और इवोल्यूटिव मतलब कि क्रिटिकल लिसनिंग पोलिटिकल स्पीच सेल्फ टास्क ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ लिस्निंग तो इतने प्रकार के लिस्निंग के टाइप्स है पहला है इलेक्टिव लिस्निंग मतलब कि इसके अंदर क्या आता है कि हम लेक्चर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस सुनकर भी हम लिस् कर सकते हैं एक क्रिटिकल सिचुएशन या एक सिचुएशन के अंदर जो एक सिंपल सिचुएशन है उसके अंदर जो भी मतलब कि लेक्चर है सेमिनार है कॉन्फ्रेंस वो एक हम ध्यान से अटेंशन देके उसको सुनना पड़ता है तो ये वन टाइप हो गया इलेक्टिव लिसनिंग दूसरा है लिसनिंग मतलब कि हमें कुछ अच्छा लगता है या म्यूजिक है पोएट्री है सॉन्ग ले लो वैसा कुछ अच्छा लगता है तो उसको सुन के भी हम किसी भी चीज को लिसन कर सकते हैं या उसको भी हम लिसन कर सकते हैं उसके बाद है अटेंटिव मतलब कि एक्टिव लिसनिंग हमें एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है तो हमारा जो भी कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा हम जो भी सुन रहे हैं उसको हमें हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करना होगा तो ये वन टाइप ऑफ क्या होगी एक एक्टिव लिसनिंग होगी उसके बाद एक क्रिटिकल लिसनिंग मतलब कि एक पॉलिटिशियन स्पीच ले लो या सेल्फ टेस्ट ले लो तो ये सब क्या होगी एक कंप्लीटली आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो भी आप सुन रहे हो तो ये वन टाइप ऑफ क्या कही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर लिस्निंग हो गई तो ये हो गए हमारे टाइप्स आगे हमने देखा कि कितने टाइप्स थे या कितने स्टेप्स थे लिस्निंग के उसके आगे देखा था ओथोराइट लिस्निंग तो अब हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लिस्निंग अब हम देखेंगे एक्टिव लिस्नर कैसे कहते हैं हमें एक्टिव लिस्नर करना है तो कैसे बन सकते हैं तो ये सब हमें देखना है मतलब कि एक्टिव लिस्नर होता है वो एक कंप्लीटली कम्युनिकेशन स्किल को या कम्युनिकेशन स्किल है उसका वो कम्प्लीटली क्रिएट कर सकता है या वो गुड कम्युनिकेटर बन सकता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं मतलब कि हमें कुछ एक्टिव लिसनर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं चाहे अच्छी से अच्छे से हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे उसके अंदर पहला टैप्स से ऑब्जर्वेशन मतलब कि जब आप एक्टिव लिसनर करते हो तो वहाँ पे आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो होना ज़रूरी है मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि कोई भी सिचुएशन के अंदर आप स्पीच सुन रहे हो या उसका ऑब्जर्वेशन करते हो तो वो स्पीच सुनने वाला व्यक्ति या स्पीकर है उसका आपको बॉडी लैंग्वेज है उसका नॉन वर्बल जो भी बिहेवियर है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा मतलब कि एक एक्टिव लिसनर की एक पहचान होती है मतलब कि वो एक सारा का सारा जो ऑब्जर्वेशन करता है मतलब कि सामने वाला स्पीकर कैसे उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसका सारा ऑब्जर्वेशन उस पर रहता है तो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन इन डिटेल में नॉन वर्बल बिहेवियर ऑब्सपीकर मतलब कि जो स्पीकर के नॉन वर्बल बिहेवियर है वो हमें ऑब्जर्वेशन करना है मतलब कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे कैसे उसका एग्जाम्पल देता है वो सब हमें नॉन वर्बल बिहेवियर उसको ऑब्जर्वेशन करना है दूसरा है फोकस कि हमें जो भी स्पीकर है उसके अंदर हमें कंप्लीटली अपना फोकस रखना है अपने अट्रेक्टिव रखना है उसका क्या कह रहा है वो उसको समझना है यहाँ पे हम देखेंगे बी अटेंटिव और लिस्निंग ओनली मतलब कि जब हम सुन रहे हो किसी भी चीज़ या किसी भी स्पीकर का कोई भी स्पीच तो वो हमें कम्प्लीटली हमारा फोकस उस पर रहना चाहिए बिकॉज जो फोकस होता है वो हटा तो हम दूसरी जगह पे अपना फोकस गवा बैठेंगे और ये चीज़ हम भूल बैठेंगे यहाँ पे पर यह हमारा ज्ञान नहीं रहेगा तो कम्प्लीटली अटेंशन और कम्प्लीटली फोकस से हमें ये सब कुछ काम करना होगा या लिस्निंग करना होगा मतलब कि आप जो भी, भी कोई भी चीज सुन रहे हो तो उसको उसके अंदर आपका फोकस सौ टका होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए उसके बाद नॉलेजमेंट टेक इंटरेस्ट एंड फोकस ऑन द कंटेंट इवन इफ यू डोंट एग्री विथ हिम मतलब कि आप किसी समय कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी स्पीकर को आप सुन रहे हो तो आपको भले ही वो अच्छा नहीं लग रहा है बट आपको तो भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेना होगा आपको उसके अंदर फोकस रखना होगा आपका वो टॉपिक अच्छा है या नहीं है आपको पसंद है या नहीं है वो आपको नहीं देखना है बट आपको कम्युनिकेशन सक्सेस बनाना है तो आपको वो उसमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा उस स्पीकर की बातों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा उस पर कंप्लीटली आपको फोकस रखना पड़ेगा तो ही आप उसकी बात कंप्लीटली अंडरस्टूड कर पाओगे और अंडरस्टूड करने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे कि आगे हमें क्या करना है आगे कम्युनिकेशन हमें कैसे आगे बढ़ानी हो तो ये आपको खास ध्यान में रखना होगा कि एक आपको इंटरेस्ट हो या ना हो आपको तो भी उसके अंदर फोकस कंप्लीटली रखना पड़ेगा रिस्पेक्ट लेट द स्पीकर फिनिश मतलब कि जब भी स्पीकर फिनिश करता है तो उसके अंदर आपको उसका रिस्पेक्ट उसको आपको बतानी पड़ेगी कि उसका आपने जो भी कम्युनिकेट किया है तो उसका आपको रिस्पेक्ट बताना पड़ेगा मतलब कि उसके साथ आपका जो भी कम्युनिकेट रहा है या आपने उसको जो भी सुना है जिस भी तरीके से अच्छा हो या बुरा बट आपको वहां पे आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी तो ही एक आप एक्टिव लिसनर की तरह या गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं क्वेस्टन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट यू कैन आस्क द स्पीकर एंड एंड ऑफ द स्पीच एंड लेक्चर मतलब कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है या डाउट है इंफॉर्मेशन के अंदर या अंडरस्टूड नहीं हो रहा है किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन तो वो आप जब स्पीच कंप्लीट हो या लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद आप स्पीकर से डायरेक्टली आस्क कर सकते हो तो ये एक हो गए एक्टिव लिसनर की पहचान मतलब कि जो भी कोई एक्टिव लिसनर होते हैं उसके अंदर जो भी कोई डाउट क्रिएट होता है या उसके मन में कोई भी जो डाउट होता है तो उसको सोल्व करने के लिए वो डायरेक्टली वो पूछ लेता है और ये हो गए हमारे एक्टिव लिसनर के मतलब कि हम एक्टिव लिसनर कैसे कैसे बन सकते हैं तो पहला आपका कंप्लीटली होना चाहिए ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप जिस चीज पर इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसका आपको उस स्पीकर पर आपका कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए अटेंशन होना चाहिए उसके बाद दूसरा फोकस आप जिस चीज में इंफॉर्मेशन ले रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके अंदर आपका कंप्लीटली एक फोकस होना चाहिए उसके बाद ये आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है या नहीं है बट तो भी आपको उसके अंदर फोकस कंप्लीटली या अटेंशन आपका कम्प्लीट होना चाहिए उसके बाद ये रिस्पेक्ट जब भी स्पीकर की जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस स्पीकर की जो स्पीच है या खत्म हो या पूरी हो तब आपको उसको कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उसके बाद आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा मतलब कि आपके अंदर कोई भी डाउट रह गए इस कम्युनिकेशन के अंदर या कोई भी क्वेश्चन रह गया तो वो स्पीच कंप्लीट होने के बाद उसको कह सकते हो तो ये क्या हो गया वन टाइप ऑफ एक्टिव लिस्नर किसे कहते हैं या कैसे हम बन सकते हैं टिप्स हो गए अब हम देखेंगे क्वेश्चन डोंट स्पीक पेरोट लाइक मतलब कि हम किस किस तरह से हमें करना नहीं है तो हम पेरोट की तरह हम नहीं बोलेंगे बी श्योर टू पुट द मैसेज इन योर वन वर्ड मतलब कि आप कोई एक जो भी अपना मैसेज देना चाहते हो एक वर्ड के अंदर देते हो तो वो क्या वन टाइप ऑफ क्या हो गया एक्टिव लिसनिंग होगी मतलब कि आपको जो भी काम करना है वो धीरे से नहीं करना है वो कंप्लीटली सोच समझ कर करना है या जो भी आप गुड कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको सोच समझ कर करना है और आप कोई भी मैसेज देना चाहते हो उसको मोटिवेशन हो या दूसरा कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो कैसे देते हैं वन वर्ड के अंदर ही आपका सब कुछ मैसेज दे देते हैं जिससे कि क्या होता है कि सामने वाली व्यक्ति पर इसका प्रभाव कुछ अलग से ही पड़ता है तो ये आपको याद रखना होगा कि एक एक्ट एक्टिव लिसनर की हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी आप मैसेज दे रहे हो अच्छा है तो उसको एक वर्ड के ही अंदर आप कंप्लीटली उसको समझा दो तो वो एक एक्टिव लिसनर की हैबिट हो जाती है उसके बाद देखेंगे व्हेन टू यूज एक्टिव लिसनर हमें एक्टिव लिसनिंग कहाँ पे यूज करनी है किस किस जगह पे हम एक्टिव लिसनिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है कि कौन कौन सी जगह पे हम किस किस तरह से एक्टिव लिसनिंग यूज कर सकते हैं तो वहाँ पे पहला टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सिचुएशन है या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्पीच चल रही है उसका कोई भी आपको जजमेंट लेना होगा तो वहां पे आपको एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप कोई भी जजमेंट लेने वाले हो या कोई भी मीटिंग चल रही है तो वहां पे आपको एक्टिव लिसनिंग कंप्लीटली करनी होगी दूसरा बात है क्वालिफिकेशन सिचुएशन मतलब की जो सिचुएशन है कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई तो उसके अंदर आपको क्या आपका जजमेंट होगा आप अगले पहलू को कैसे हैंडोवर करते हो तो वो सब आपको करना है तो वहाँ पे आपको इस सिचुएशन को क्रिटिकली या एक्टिव तरीके से आपको लिसन करना पड़ेगा कर। उसके बाद गिव गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक मतलब कि आपको किसी भी स्पीच के अंदर या किसी भी रिस्पॉन्स के अंदर आपको फीडबैक लेना हो या आपको फीडबैक देना हो तो वहाँ पे आप तभी अच्छा फीडबैक दे सकते हो कि जब आपने एक्टिव लिसनिंग मतलब कि अच्छी तरीके से लिसनिंग की हो मतलब कि आप किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हो या किसी भी फीडबैक लेना चाहते हो तो वहां पे आपने जो भी सुना होगा तभी आप कुछ अच्छा उसको दे सकते हो वरना आप कुछ अच्छा उसको रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं दे सकते हो तो वहां पे आप एक्टिव लिसनिंग रखना जरूरी है उसके बाद ब्रेन स्टोर्मिंग एवं प्रोबल तो प्रॉब्लम जब सॉल्विंग करनी हो या ब्रेन करनी हो तो वहाँ पे हमें क्या होना चाहिए एक्टिव लिसनिंग मतलब कि हम किसी कबार एक न्यू आइडिया पे सोचना हो या हम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करनी हो उसको सॉल्यूशन लाना हो तो वहाँ पे आपने वो प्रॉब्लम को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा जब आप उसको तो अच्छी तरीके से सुनोगे अच्छी तरीके अच्छी तरीके से उस आप सोचोगे तो ही आप वो कंप्लीटली सक्सेस बना पाओगे तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे तो ये हो गया हमारा एक्टिव लिस्ट मतलब कि आप जब बेस्ट्रॉमिंग कर रहे हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो वहां पे भी आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी उसके बाद है स्पीकिंग स्पीयर कॉर्पोरेशन मतलब कि आप कॉर्पोरेशन लेवल पे आप कुछ सुन रहे हो या किसी भी आप स्पीच दे रहे हो या कुछ बोल रहे हो या कोई भी एक काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्टिव लिसनिंग करने की जरूरत है तो ये हो गया हमें कहाँ कहाँ पे एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई एक सिचुएशन क्रिटिकल आ जाती है तो वहाँ पे उसके बाद हमें कोई रिस्पांस लेना है या उसको फीडबैक देना है तो वहां पे ब्रेन या प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो वहाँ पे भी हम एक्टिव लिस्ंग का यूज कर सकते हैं उसके बाद एक कॉरपोरेशन लेवल में हमें कुछ करना है या कुछ हमें स्पीच देनी है तो वहाँ पे भी हमें एक्टिव लिस्निंग करना जरूरी रहेगी उसके बाद हम देखने हैं कि एक्टिव लिस्निंग के स्टेप कितने कितने हैं कौन कौन से स्टेप है वो एक्टिव लिस्निंग के अंदर होते हैं या, या गुड लिसनर होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी हैबिट होती है जो आपको अंदर डेवलप करनी होगी एक कम्युनिकेटर अच्छे बनने के लिए तो यहाँ पे आपको चार दी गई है आपकी स्क्रीन के अंदर आपको ये चार जो स्टेप है वो आपको कंप्लीटली डेवलप करने हो तो आप एक एक्टिव लिसनर अच्छे से बन पाओगे पहला है लिसन आपको फोकस के साथ अटेंशन के साथ सामने वाली स्पीकर का जो भी कुछ कंटेंट है वो लिसन करना पड़ेगा तो ये आप एक एक्टिव लिसनर का पहला स्टेप कंप्लीट कर पाओगे मतलब कि आप कभी एक्टिव लिसनर बनना चाहते हो या गुड कम्युनिकेटर करना चाहते हो तो वहां पे आपको सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है या कंटेंट है वो समझना पड़ेगा उसको पूरे तरीके अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा उसके बाद क्वेश्चन मतलब कि आपके अंदर कोई भी डाउट रह गया या लिसन के अंदर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो उसको आपको स्पीकर को स्पीच कंप्लीट होने के बाद या लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है क्वेश्चन करना है उसके बाद है पेरेफ्रेज मतलब कि आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कोई फ्रेश तरीके की ही? चीज को यूज़ करना पड़ेगा उसके बाद है एग्री मतलब कि उसके बाद आपको उसकी बात पे एग्री होना पड़ेगा आपको लिसनिंग पे एग्री होने पड़ेगा तो ये जो चार स्टेप है वो आपको कंप्लीटली डेवलप करने होंगे जो आपको गुड कम्युनिकेटर बनाते हैं जो ये चार स्टेप है वो किसके हैं एक्टिव लिसनिंग के तो ये आपको कंप्लीटली अपने अंदर डेवलप करने होंगे तो यहाँ पे हमने देखा लिसनिंग क्वेश्चन पेरेफ्रेज और एग्री तो ये चार स्टेप है एक्टिव लिस्निंग उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ लिस्निंग और नॉन वर्बल मैसेज मतलब कि हम नॉन वर्बल मैसेज का लिस्निंग करते हो तो उसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है वो सब हमें देखना है तो यहाँ पे पहला रिसर्च है सो है मतलब कि रिसर्च के मुताबिक नॉन वर्बल साइन कैरियर्स मोर देन नाइन्टी परसेंटेज मैसेज हो मतलब कि हमें जो नॉन वर्बल के अंदर जो मैसेज है उसके अंदर नाइन्टीन परसेंट के अंदर हमें कोई एक मैसेज मिल जाता है क्योंकि नॉन वर्बल तरीके से नॉन वर्बल तरीके से कोई भी इशारा करता है या उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है तो उसके अंदर से हमें नाइन्टीन परसेंटेज मैसेज हमें मिल जाता है एक रिसर्च के अंदर तो यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया कि यह नाइनटीन परसेंट मैसेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है तो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज जो 55 परसेंटेज है मतलब कि जो नॉन वर्बल तरीके से आप किसी भी तरह से सुन रहे हो या लिसन कर रहे हो तो वहां पे आपको मोस्ट ध्यान देना होगा मोस्ट फोकस करना होगा सामने वाले स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज मतलब कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो फिफ्टी फाइव परसेंटेज कम्युनिकेशन को सक्सेस बनाने या लिसन करने के काम आती है तो आप सामने वाली जो पीपल है या कोई भी कम्युनिकेटर है उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तब नॉन वर्बल तरीके से आप जब कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहां पे आपको सामने वाली व्यक्ति का कंप्लीटली बॉडी लैंग्वेज आपका उसका होता होता है होता है वो आपको समझना पड़ेगा उस पे पर उसके cool अटेंशन रहना चाहिए दूसरा है थर्टी एट परसेंटेज ट्यून ऑफ वॉइस मतलब कि सामने वाली व्यक्ति का जो ट्यून ऑफ वॉइस है उसका बोलने का तरीका है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा उसकी जो फीलिंग है वो क्या कहना चाहता है उसका फीलिंग कहने का तरीका कैसा है उसका वॉइस का ट्यून कैसा है उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं तो वो हो गया थर्टी एट परसेंट उसके बाद है वर्ड तो वो उसके वो जो कहता है वो जो स्पीक करता है उसका जो वर्ड होता है वो सेवन परसेंटेज वो नॉन वर्बल के अंदर पार्टेशन होता है मतलब कि जो सेवन परसेंटेज पार्ट होता है वो वर्ड पे उतर रहता है मतलब कि वो क्या क्या कहता है वो कैसे कैसे वर्ड का यूज़ करता है वो उससे हमें उसकी फीलिंग या उसके बोलने का ट्यून हमें पता चल जाता है तो यहाँ पे हमें हो गई कि जब हमें नॉन वर्बल तरीके से कोई मैसेज को लिसन करना है तो वहां पे हम किस किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कहाँ कहाँ तक हमें इम्पोर्टेंट तरीके का ध्यान रखना है तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नॉन वर्बल मैसेज है वो आपको 19 परसेंटेज मैसेज प्रोवाइड कर देता है जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो फिफ्टी परसेंट आपको पता चल जाए कि ये क्या कहना चाहता है उसके बाद ट्यून ऑफ वॉइस तो 38 परसेंट में उसको पता चल जाता है उसकी वॉइस से उसके बाद सेवन परसेंट होते हैं तो उसके वर्ड से हमें पता चल जाता है तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ ब्लेसिंग टू नॉन वर्बल मैसेज उसके बाद हम देखने वाले बैरियर्स मतलब कि हम जब गुड लिस्नर बनते हैं या एक्टिव लिस्नर बनते हैं या हम किसी भी तरह का लिसनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम किस किस तरह के बैरियर्स का सामना करना पड़ता है या किस किस तरीके का अवरोध का सामना करना पड़ता है तो पहला है इसके अंदर डिट्रेक्शन ऑफ माइंड मतलब कि हमारा जो माइंड है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी भी चीज़ को सुन रहे हो तो हमारा जो माइंड वहाँ पर नहीं होता या हमारा माइंड डाइवर्जेशन होता है तो वहाँ पर एक तरीके से बेरियर क्रिएट होता है हम कंप्लीटली लिसनिंग नहीं कर सकते तो वो वन टाइप ऑफ हो गया बैरियर की तरह दूसरा है एक्सटर्नल नॉइज़ और डिस्टर्बेंस मतलब कि आप कभी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हो या किसी ऐसी जगह पर हो वहाँ पे एक नॉइज ज़्यादा है या डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ का या सही तरीके से लिसनिंग नहीं कर सकते तो वो आपको एक ध्यान रखना है कि तो ये वन टाइप ऑफ हो गया कि एक्सटर्नल नॉइज और डिस्टर्ब से हम कुछ कम्युनिकेशन या लिसनिंग को सक्सेस नहीं बना सकते प्लानिंग और रिप्लाई मतलब कि आपके पास जो प्लानिंग और उसका रिप्लाई है वो आपके पास कंप्लीट नहीं होता है तब आप बैरियर का सामना कर रहे हो मतलब कि आपके पास जो भी आप लिसन कर रहे हो उसके सामने आपको क्या रिप्लाई देना है उसका आपको पास प्लानिंग नहीं नहीं है तो वहाँ पे आप बैरियर का सामना कर सकते हो वहाँ पे आप एक अच्छी तरीके से लिसनिंग की होगी तो भी आप उसको कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं बना सकते कम्युनिकेशन तो वो एक आपको ध्यान में रखना होगा प्लानिंग रिप्लाई उसके बाद है लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आप जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे आप कम्युनिकेशन करना कर रहे हो या करना चाहते हो बट उसमें ही आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे आप अच्छी तरीके से लिसन नहीं करोगे क्योंकि उसके अंदर आपका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसका कुछ फायदा ही नहीं है तो वहाँ पे आप अच्छी तरीके से लिसन नहीं करेगा उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट करेगा मतलब कि वहां पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं गा इस चीज़ पे तो ये हो गया उसके बाद है सेल्फ सेंटर्ड मतलब कि आपका जो आपका जो काम होता है वो सेल्फ तरीके से क्या होता है एक सेंटर मतलब कि आप अपने आप को ही मान लेते हो कि इस चीज को कहीं पे जरूरत है नहीं या इस चीज को कुछ काम नहीं है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है एक बैरियर की तरह काम हो जाता है एक्सेप्सिव नोट टेल्किंग मतलब कि हम नॉट टेल्किंग के जरिए बात करते हैं तो तभी वहाँ पे एक वन टाइप ऑफ बैरियर क्रिएट हो जाता है कि वहाँ से हम कंप्लीटली लिसन नहीं कर पा सकते या उसकी फीलिंग को हम कम्प्लीटली गेट नहीं कर सकते तो ये वन टाइप ऑफ बैरियर हो गया उसके बाद है पुअर हेल्थ मतलब कि हम जब हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आप हमारी जो हेल्थ है वो पुअर होती है या अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पे हम कोई भी लिसन करते हो तो हम कम्प्लीटली लिसन नहीं कर पा सकते क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो हम कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं करवा सकते तो ये हो गए आपके जो छः टाइप से छः बेरियर्स यहाँ पर आपको दी गई है पहली है डिस्ट्रेक्शन ऑफ माइंड माइंड का जो डिट्रेक्शन होता है वो दूसरी बात है डिस्टर्बेंस प्लानिंग आपका रिप्लाई अच्छा नहीं होता तब आपको इंटरेस्ट नहीं होता तब उसके बाद सेंट सेंट्रल्ड होते हैं तब उसके बाद नॉल्ट टेंकिंग के जरिए आप जब भी कोई काम करते हो तब और उसके बाद ये पुअर हेल्थ तो ये क्या होगी एक बैरियर्स हो गई तो इस टाइप का आप बैरियर्स कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग के समय आप फाइंड कर सकते हो या उसका सामना कर सकते हो तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरह आपको ध्यान में रखना है या आप गोल्डन आई की तरह भी लेख सकते हो तो ये हो गए हमारी बैरियर्स तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग इन इंग्लिश मतलब कि हमें इंग्लिश के अंदर हमारी लिसनिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए कैसे ग्रोथ करनी चाहिए मतलब कि हम जो कॉरपोरेट लेवल में कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज से ही हम कम्युनिकेशन करते तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसकी लिसनिंग के लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होगा तो यहाँ पर आपको टाइप्स दिए गए तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया कि कोर्स बुक का जो ऑडियो होता है वो आपको सुनना पड़ेगा जो कोर्स बुक होती है जो इंग्लिश की कोई भी कोर्स बुक होती है उस जो उसका ऑडियो है वो आपको सुनकर भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो उसके बाद है कम्युनिकेशन आप एक कम्युनिकेशन टीचर के साथ या एल ई एल ई एस एल स्टूडेंट के साथ या नेटिव स्पीकर के साथ कम्युनिकेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं हमारी जो लिसनिंग स्किल है इंग्लिश के अंदर वो कम्प्लीटली कम्युनिकेट कैट कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं स्पेशल साइट इस मतलब कि हम ऑनलाइन साइट्स है तो टेस्ट करके जो एक्सरसाइज करके या कलेक्शन करके भी आप कर सकते हो मतलब कि स्पेशल साइट्स करके आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो उसके बाद ये रेडियो रेडियो के अंदर जो चैनल होती है बी और गोवा तो वो चैनल आप सुनकर भी आप उसके जो इंग्लिश वर्ड है उसको सुनकर भी आपकी वोकेबलिटी है वो अप लेवल की कर सकते हो उस तभी आपको एक लिसनिंग स्किल में इम्प्रूव आएगा उसके बाद है पॉडकास्ट मतलब कि जो पॉडकास्ट होते हैं वो आप सुनकर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर को जो भी पॉडकास्ट होते हैं वो आप सुनकर भी आप क्या कर सकते हो एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी इंग्लिश के अंदर उसके बाद ऑडियो बुक्स जो ऑडियो बुक्स होते हैं उस उसको सुनकर जो इंग्लिश ऑडियो बुक्स है उसको सुनकर आप अपना कंप्लीटली क्या कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो उसकी डिस्टेंस के लिए वो कंप्लीटली अप कर सकते हो उसके बाद है फिल्म मतलब कि आप इंग्लिश मूवी देख के भी आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो मतलब कि हम जब इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसके अंदर जो वर्ड है वो हम आसानी से सुनते हैं उसको कैसे यूज करते हैं वो सब हम यूज कर सकते हैं उसके बाद है सॉन्ग मतलब कि म्यूजिक है लायरिक्स है वो इंग्लिश लायरिक्स होते हैं या म्यूजिक होते हैं उसको आप सुनकर उसका मजा लेकर भी आप अपना जो इंग्लिश का जो स्किल है या अपना लिस्निंग स्किल है इन इंग्लिश वो आप बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे आपको जो भी टाइप्स दिए गए कि किस किस तरह से आप जो लिसनिंग स्किल है वो इंग्लिश के अंदर बढ़ा सकते हो क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है उसके अंदर हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है थी। और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश पर ही होता है तो वहाँ पर आपको कैसे इंप्रूव करनी है वो यहाँ पे टाइप्स दिए गए तो उसके बाद यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है तो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन से आज के हम लेक्चर में पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लिसनिंग स्किल के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पे फोर टाइप्स दिए गए कि लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग करके भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके अंदर हमने देखा कि स्पीसिंग और लिसनिंग हमें क्यों जरूरी है उसके बाद हमने देखा उसका इम्पोर्टेंट ऑथोराइज लिस्िंग के अंदर हमने देखा ऑथोरिटी कितनी होती है लिसनिंग के अंदर तो यहाँ पे हमने देखा राइटिंग की होती है नाइन परसेंटेज रीडिंग की होती है सिक्सटीन परसेंटेज उसके बाद जो स्पीकिंग होता है उसके अंदर थर्टी परसेंटेज और सबसे ज़्यादा होता है जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ऑथोरिटी वो होती है लिसनिंग की फोर्टी फाइव परसेंटेज उसके बाद हमने देखा फोर स्टेप ऑफ लिसनिंग मतलब कि हम लिसन कैसे कर सकते हैं किस किस स्टेप के जरिए हम लिसन कर सकते हैं उसके बाद देखा टाइप्स ऑफ लिसनिंग मतलब कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं लिसनिंग के उसके बाद हमने देखा एक्टिव लिसनिंग मतलब कि हमने एक्टिव लिसनिंग करना है या एक्टिव लिसनर बनना है तो कैसे बन सकते हैं तो यहाँ पे हमने देखा ऑब्जर्वेशन करके फोकस करके नॉलेजमेंट के जरिए से रिस्पेक्ट देकर और क्वेश्चनरी करके तो ये एक्टिव लिसनिंग की हैबिट हो गई उसके बाद हमने देखा था कि एक्टिव लिसनर मतलब क्या होता है कि जो वन वर्ड के अंदर ही कंप्लीटली मैसेज दे दे उसको क्या बोलते हैं एक्टिव लिसनर बोलते हैं या उसकी एक हैबिट होती है उसके बाद हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ पे एक्टिव लिसनर यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल था उसके बाद ब्रेन स्टोमिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वहाँ समय पर हम एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं उसके बाद हमने देखा था कि स्टेप ऑफ एक्टिव लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग की कौन कौन से स्टेप होते हैं तो उसके अंदर हमने देखा लिसन क्वेश्चन पैराफ्रेज और एग्री तो ये सारे क्या होते हैं एक्टिव लिसनिंग के स्टेप होते हैं उसके बाद हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग टू नॉन वर्बल मैसेज मतलब कि नॉन वर्बल मैसेज के अंदर हम कैसे कैसे इम्पोर्टेंट हमारा लिसनिंग कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रहता है उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से बैरियर जो हमें एक्टिव लिसनिंग या लिसनिंग के अंदर आ सकते हैं तो वो हमने बैरियर्स के टाइप्स देखे थे उसके बाद हमारे इंग्लिश के अंदर लिसनिंग स्किल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो भी देखा तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है उसके तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है तो ये लेक्चर कंप्लीट के अंदर आपको ये फिलफिल फिल करना पड़ेगा तो